व्हाट इज अप गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं कार फॉर सेल सिमुलेटर 2023। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। गाइस लास्ट वीडियो में हमारा शोरूम खुद थोड़ा अलग लग रहा था और अब हमारा शोरूम काफ़ी अलग लग रहा है क्योंकि हमने काफ़ी सारी चीज़ें अपग्रेड कर दी हैं। पहले गाइस इन दीदी से बात करते हैं, फिर बताता हूँ गाइस आपसे बात करता हूँ। दीदी जी बताइए कितने रुपये दे रही हो आप इसके, क्योंकि मैंने गाइस दीदी से बात करते थक गया और मैं बार्गेन का ऑप्शन भी नहीं आया क्योंकि दीदी ने फाइनल प्राइस $22,000 ही कर दिए हैं। बेचे नहीं बेचे हैं, नहीं बेच रहे गाइस, क्योंकि और कस्टमर आ जाएंगे तो उन्हें बेच देंगे। इतने सस्ते तो नहीं बेचनी है, मैं $45,000 लगाए हैं तो और $22,000 को बेचने में कहाँ ही रहेगा गाइस। वेट करते हैं थोड़ा। तब तो गाइस मुझे याद आया, मुझे मैंने एक सामने एक गाड़ी भी रिपेयर पर लगाई थी। और गाइस पहले दिखा देता हूँ आपको, ये हमारी रही सुपरा और ये मेरी मस्टैंग और ये रहा हमारा शोरूम का व्यू। चलते हैं गाइस जल्दी से अपनी कार देख कर आते हैं रिपेयर हुई ना हुई। फाइनली गाइस आ चुके हैं रिपेयर वाले भैया के पास, इन भैया ने रिपेयर कर तो कर दिए, तो चेक करते हैं गाइस कैसे चल रही है गाड़ी। गाइस गाड़ी की बस अंदर आवाज सही आ रही है, चलते हैं गाइस लेकर इसे। गाइस एक काम करते हैं पेंट भी कर लेते हैं, तो गाइस सीधे से चलते हैं हम पेंट ऑटो पेंटिंग के अंदर और खड़ी कर देते हैं इसे जल्दी से। भैया इंतजार कर रहे हैं हमारा, जल्दी से पार्क कर देते हैं और बात करते हैं भैया से। बात गाइस बात करेंगे, पहले आ चुके हैं हमारे हमारे शोरूम पर कोई ना कोई कस्टमर, तो भैया से बात करेंगे। चलते हैं गाइस सीधे शोरूम पर बात करने के लिए। फाइनल गाइस पहुंच चुके हैं अपने शोरूम पर, इन भैया से बात करते हैं कितने रुपए दे रहे हैं हमारी इस कार के ओडी S5 के। काफ़ी तो अच्छी कार है हमारी ये तो, 45,000 लगाए हमने तो इसी से। 45 लगाए हैं, 48 लगाए हैं, 45,000 ही लगाए गाइस। भैया दे रहे हैं 20,000, बहुत कम है, इतने तो नहीं लगा देंगे क्योंकि 25,800 लास्ट कर रहा हूँ इन भैया के लिए। उन दीदी ज़्यादा दे रही थी आपसे, तो वो दीदी ज़्यादा दे रही थी, आप बहुत कम दे रहे हो। तो नहीं गाइस इन्हें नहीं बेचेंगे हम। इधर एक दीदी जी और खड़ी हैं, ये तो बोली लग रही हैं पर कोई बात नहीं गाइस, इन्हें इनसे बात और करते हैं कितने रुपए दे रही हैं हमारी कार के। बताओ दीदी जी आप कितने दे रही हो। 24,000, ये नॉट बैड डील है, इन्हें बेच सकते हैं। इन्हें भैया और आए हैं, इन भैया से और बात और करते हैं कितने दे रहे हैं हमारी इस कार के। भैया बताओ आप कितने दे रहे हो, प्लीज़ जल्दी बताओ, मेरे पास टाइम नहीं है। 90,000 आओ यहाँ से, इतनी सस्ती नहीं बेच रहे हमारे पास ये दीदी रहेंगी, इतने ज़्यादा पैसे दे रही हैं। इनसे बात करते हैं, एक दीदी और आई हैं, क्या कर रहे हैं गाइस, उनसे बात करें नहीं करें, इनसे ही फाइन कर देते हैं और टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। कार मार्केट में खुली आज तो 24 मांग रही, तो हम 32,000 लगाते हैं, इतनी देर ले लेते हैं सही है, नहीं तो फिर उन दीदी से बात करेंगे मना कर रही हैं। तो गाइस क्या करें गाइस, फाइनल प्राइस 28,000 क्योंकि ये कम नहीं करेंगी, 28,000 फाइनल प्राइस है। फाइनली गाइस बिक चुकी हमारी कार ओडी S5। चलते हैं गाइस पहले अपने कार मार्केट पर क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो चुका है और मेरे पास बहुत कम टाइम है, देखते हैं कोई इंसून सी कार है। फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं कार मार्केट। वेट, ये कौन सी कार है, ये तो ओडी R8 है। भैया से बात करते हैं, भैया बिजनेस मैन लग रहे हैं भैया 5,15,000 मांग रहे हैं। तो ये नहीं गाइस रात भी हो चुकी है, एक पर एक बुरी बात, 4,60,000 मेरे पास जितने पैसे हैं आप दे रहा हूँ मैं, अब प्लीज़ दे दो, प्लीज़। फाइनली गाइस हो चुकी हमारी ओडी R8 पहली, इतनी महंगी कार सुपर कार कह दो पहली समझ लो ओडी R8, बाकी तो इतनी अच्छी कार नहीं थी पर ये ओडी R8 सबसे महंगी कार है हमारे पास जो है 4,60,000 की। और ये डैमेज भी है, 4% डैमेज है और 64% पेंटेड है। तो गाइस एक काम करते हैं ऐसे सीधे शोरूम पर ले चलते हैं, घर तो बात को जाएंगे और वहाँ जाकर वैसे रिपेयर भी करा देंगे। मैं डायरेक्ट बेचता हूँ, चलाने का मन कर रहा है गाड़ी को, गाड़ी की स्पीड तो मतलब साउंड तो काफ़ी बढ़िया है, स्पीड भी ठीक ठाक ही है, स्पीड सही है। मैं स्पीड टेस्ट भी करेंगे किसी न किसी दिन इसका और पोर्शे का, देखते हैं कहीं कौन सा करेंगे, सुपरा का करेंगे इस कमेंट पर बताओ किसका करें, सुपरा वर्सेस ओडी R8 या फिर पोर्शे वर्सेस ओडी R8, कमेंट पर बताओ गाइस। फाइनली गाइस आ चुके हैं अपने शोरूम पर, जल्दी से भेज देते हैं इसे रिपेयर पर। फाइनली गाइस रिपेयर भेज दिया हमने गाड़ी को और सीधे चलते हैं अपने घर पर। फाइनली गाइस अपने घर पर पहुंच चुके हैं, आज हो चुका है $3,82,000 का नुकसान, हम लॉस में जा चुके हैं पर कल प्रॉफिट कर लेंगे। गुड मॉर्निंग गाइस, नेक्स्ट डे हो चुका है और सीधे चलते हैं अब अपने शोरूम पर। हमारा शोरूम डर्टी भी है और हमारे ने बिल भी पे नहीं किया, कोई बात नहीं गाइस। और ये रहा हमारा छोटा सा कार कलेक्शन, इसमें हमारे पास ओडी S5 है, मस्टैंग GT और एक पोर्शे 911। चलते हैं गाइस सीधे अपने शोरूम पर। फाइनली गाइस आ चुके हैं अपने शोरूम पर,
देखते हैं गाइस रिपेयर कराते हैं जल्दी जाकर अपनी ओडी R8 को। भैया के पास आ चुके हैं गाइस, भैया से रिपेयर कराते हैं जल्दी से ओडी R8 सस्ते में हो रही है तो रिपेयर, जो 4% ही डैमेज थी ना। जल्दी से एक काम करते हैं गाइस, वेट के करना। तो गाइस एक मिनट, ये याद आ गया मैं कल कराना भूल गया था, तो आज इसे भी मतलब इसके पार्ट्स भी पेंट करा लेते हैं, क्योंकि जो वाट्स नकली हैं तो पेंट करा लेते हैं। फाइनली गाइस पेंट हो चुकी है, अपने शोरूम के पास पार्क कर देते हैं इसे, और अब तक तो ओडी भी रिपेयर हो चुकी होगी। चलते हैं गाइस देखते हैं ओडी रिपेयर हुई नहीं हुई है। फाइनली गाइस आ चुके हैं ओडी के पास और इसमें बैठते हैं, भैया ने बता दिया रिपेयर हो चुकी है। चलते हैं गाइस बैठते हैं और चलते हैं, काफ़ी अच्छी लग रही है दिन में, तो रात में देख ही नहीं पा रहा था अंदर का व्यू, ऐसे अच्छी लग रही है। कलर भी अच्छा, कलर चेंज कराए नहीं कराएँ गाइस, तो देखते हैं गाइस पहले क्या कराएँ, कलर चेंज कराएँ या फिर पहले इसे अपग्रेड कराएँ। एक काम करते हैं गाइस, इसका कलर ही चेंज करा लेते हैं, थोड़ा बहुत थोड़े पार्ट्स भी ख़राब हैं या फिर पहले अपग्रेड कराएँ। सोचते हैं गाइस कलर अपग्रेड कलर ही कराते हैं पहले, क्योंकि थोड़े बहुत पार्ट जो पेंटेड हैं वो सही हो जाएंगे। भैया जल्दी से इसका हमारी गाड़ी को पेंट कर दो जल्दी गाइस, पार्ट्स ये रही पार्ट्स, और ये थोड़े हम काफ़ी ज़्यादा महंगे पार्ट्स पेंटेड मेटालिक नेस थोड़ी बढ़ा देते हैं। फाइनली गाइस मेटालिक बढ़ा दिया और कलर पसंद करते हैं कौन सा कलर अच्छा लगेगा इस पर। एक कम करते हैं गाइस कलर कराते हैं रेड, देखते हैं कौन सा रेड अच्छा लगेगा। फाइनली गाइस ये कलर पसंद आ चुका है, इसे पेंट करा लेते हैं, फिर मिलते हैं गाइस। फाइनली गाइस एक मिनट रुक जाओ, ये तो पेंट हुई नहीं, फिर से स्कैम कर देगा भैया ने, बात करें दोबारा से स्कैम कर देते रहते हैं ये तो, चलो फिर से पेंट कराते हैं। फाइनली गाइस दोबारा से पेंट करा चुके हैं हम, ये भैया वो तो स्कैमर है, हमारे पैसे $300 फ्री में ऐड लिए उन्होंने हमसे। चलते हैं गाइस इसे थोड़ा बहुत मॉडिफाई कराते हैं, इसमें मॉडिफिकेशन कराते हैं, चलते हैं गाइस। गाइस रेड कलर में भी कंपनी हमारी ओडी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है, आ चुके हैं हम मॉडिफिकेशन कराने के लिए भैया के पास में, जल्दी से इसे अपग्रेड कराते हैं, इसमें थोड़ी बहुत चीज़ें चेंजेस कराते हैं, क्या चेंज हो सकते हैं भैया से बात करते हैं। इसमें गाइस वैसे सब कुछ अपग्रेड है, टर्बो लगा लेते हैं गाइस, और क्या कराएँ गाइस इसमें सब तो अपग्रेड है, सस्पेंसन नहीं, लाइट भी नहीं, प्लेट्स चेंज करा लेते हैं, प्लेट बहुत गंदी लगी हुई इसमें लगाते हैं हम, क्या लगाएँ लिखें का नहीं विक्ट लिखते हैं गाइस, क्योंकि हमारी गाड़ी की हमारी कंपनी विक्ट ओडी नहीं लिखते गाइस, तो क्या करें गाइस विक्ट ए लिखते हैं गाइस, सही है विक्ट ए। अब इसके व्हील्स लिखते हैं, व्हील्स सही रहेंगे, सही है ना, व्हील्स तो वैसे ठीक ठाक भी हैं, तो कोई हमारे पास $6,000 हैं तो $5,000 वाले लगा लेंगे गाइस, कोई और तो पसंद आ नहीं रहे तो गाइस एक काम करते हैं ये लगा लेते हैं। गाइस में कोई और व्हील्स पसंद नहीं आए तो इसीलिए गाइस मैंने यही लगा लिए हैं। अब चलते हैं गाइस सीधे अपने शोरूम की तरफ अपनी गाड़ी को लेकर। आ चुके हैं हम ओडी R8 में, काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है, स्पीड भी ठीक ठाक ही है, वैसे तो सुपरा की ज़्यादा स्पीड इससे, तो देखते हैं गाइस 4 लाख की है वैसे गाड़ी दे, तो एक काम करते हैं पेंट कराएंगे, पेंट तो मतलब मैं पेंट बोलते रहता हूँ, सफाई कराएंगे भैया से, अंदर ले चलते हैं गाड़ी को पहले, ठुकनी जाए नहीं गाड़ी से हल्की ठुक गई, अंदर जा पाएगी नहीं जा पाएगी देखते हैं गाइस। हमारे मैंने छोटा सा गेट लगा रखा इसी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम बढ़ती है, मैं एक काम करूँगा नेक्स्ट टाइम से गेट बड़ा करा देंगे, क्योंकि शोरूम भी अपग्रेड करा लेंगे और पैसा जाएंगे, तो क्योंकि इस टाइम तुम्हारा बिल्कुल ही कम पैसे पड़े हैं, इन दोनों गाड़ी को बेच देंगे गाइस सुपरा मस्टैंग को, मन तो नहीं कर रहा कोई बात नहीं गाइस जल्दी से अंदर ले लेते हैं गाड़ी को। बहुत मेहनत के बाद गाइस हमने गाड़ी को अंदर बड़ा ही लिया है, अब आराम से इसे पार्क कर लेते हैं। एक काम करते गाइस इसे बेचने के लगा ही देते हैं, क्योंकि गाइस नेक्स्ट वीडियो में हम और गाड़ी खरीद लेंगे इसमें, क्योंकि हमारे पास पैसे भी नहीं है, अपनी मस्टैंग नहीं बेच रहे ना यहीं सुपरा बेच रहे, बात तो बेचेंगे जब हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं बचेंगे, तो गाइस जल्दी से पार्क करते हैं। फाइनली गाइस हमने अपनी गाड़ी पार्क कर दी है और गाइस ये भैया आएंगे और इसे साफ कर देंगे, तो गाइस एक काम करते हैं इसे सेल पर लगा देते हैं। ये रहा वेब पेज पर क्लिक हो जाए, ये रही हमारी ओडी आर आर मतलब R8 ये R बोलते हैं इसे। तो गाइस कितने का लगाए हम, 4 लाख स्ट्रिक लाए थे, तो हम गाइस 9 लाख लगाए क्या गाइस, 9 लाख ही लगा देते हैं गाइस, या फिर एक काम करते हैं 9 लाख ही लगा देते हैं, क्योंकि थोड़ी दुगने फायदे तो होने चाहिए ना, दुगना तो नहीं, दुगना से ज़्यादा हो रहा है, तो दुगने से 1 लाख ज़्यादा हो रहा है, कोई बात नहीं गाइस एक काम करते हैं थोड़ा वेट और करते हैं, क्योंकि अभी तो टाइम है, तो एक मिनट रुक जाओ इस गाड़ी को भी अंदर ही खड़े कर देते हैं, क्योंकि बाहर खड़ी अच्छी नहीं लग रही, इसे भी अंदर से पार्क कर देते हैं जल्दी से। गाइस ये गाड़ी तो एक ही बार में अंदर चली गई, पर ओडी नहीं जा पाई थी एक बार में अंदर, और बाकी वैसे सुपरा और मस्टैंग भी नहीं जा पाई थी,
ये थोड़ा सा लिफ्ट की वजह से पेट्रोल में बढ़ रही है, लिफ्ट मैं चेंज कर दूँगा बात को टाइम मिलेगा तो। इसी अंदर खड़ी कर दिया, इसी वजह से खड़ी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ा। कस्टमर अभी तक नहीं आया क्या गाइस? कस्टमर नहीं आ रहे, गुस्सा आ रहा मुझे, इतना टाइम तो हो चुका कस्टमर क्यों नहीं आ रहे गाइस? ऑफिस भी खुला हुआ हमारा, तो आज ऑक्शन में नहीं है तो ऑक्शन में लेट हो जाते हैं कस्टमर, इसे गाड़ी को भी सेल पर लगाते हैं जल्दी से। फाइनली गाइस इस गाड़ी को भी हमने सेल पर लगा दिया है, अब वेट करते हैं कस्टमर का। नाम लिया और कस्टमर हाजिर, देखते हैं गाइस कौन से कस्टमर आए हैं किस कार के लिए, ऑडी के लिए। चलो गाइस इनसे बात करते हैं, भैया से शकल तो लग रही है यूनिक ऑडी वाली, पर क्या पता खरीदी लें गाड़ी। बताओ भैया कितने रुपए दे रहे हो आप इस हमारी ऑडी के? 7,87,04,000, नोट बैड डील। वेट करते हैं थोड़ा सा और, क्या पता कोई अच्छी गाड़ी खरीद। एक मिनट, दीदी जी और आ चुकी हैं, दीदी जी पिछली बार भी अच्छी गाड़ी ले अच्छे पैसे में ले गई थी, तो इन्हें कितने दे रही हैं बताओ दीदी? ये बेकार, इन्हें बहुत कम दे रही है, बताओ यहाँ से इतने सस्ते हैं ना भैया? आप बहुत अच्छी चाय पानी पियोगे, कुछ करोगे बताओ? ये बताओ वो कुर्सी बैठी चेयर में, चेयर बैठ जाओ, क्या गाइस इन्हें बेच देंगे गाड़ी? 7,04,000 मांग रहे हैं दे रहे हैं ये, तो गाइस एक काम करते हैं इन्हें 8,50,000 लगाएंगे गाइस? नहीं, 8,00,000 ही बेचते हैं, क्योंकि 8,50,000 ज़्यादा हो जाएंगे। एक दीजिए और आ चुकी हैं, ये ले लेते हैं सही है, तो दीजिए उसे बात करेंगे। वो भाई वेट 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 वेट, हमने कम की बेच दी गाइस, 8,00,000 की तो आराम से चली गई गाइस। ये दी मोटी दीजिए और आ चुकी हैं आंटी जी, मतलब इससे बात और कर लेते हैं, इस गाड़ी को बेच देते हैं फिर पार्टी करेंगे आराम से। 27,000 नॉट वेल डील, तो गाइस इसे हम $32,000 ही बेचते हैं, तो दीजिए दे रही हो पैसे इतने जल्दी? तो गाइस नहीं, मना कर रही हैं, क्या करें गाइस, बेचे नहीं बेचें, $30,000 लास्ट, जल्दी दो और निकल जाओ वहाँ से, जल्दी दो। हाँ फाइनली बिक चुके हैं $30,000 की ये वाली गाड़ी भी, हमारे पास काफ़ी ज़्यादा पैसे हो चुके हैं, $8,31,000, $4,00,000 थे गाइस हमारे पास और हो चुके हैं 8,00,000, दुगने पैसे कर लिए गाइस हमने। इसी बात पर गाइस अपना अपना बिल भी क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पैसे हो चुके हैं हमारे बिल में, कितने हो चुके हैं? $89,000 गाइस बिल हो चुका हमारा, बिल हम पे कर देते हैं गाइस बिल। फाइनली गाइस हमने अपना बिल पे कर दिया है, और इसी के साथ गाइस हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, तब तक के लिए गुड बाय। और हाँ गाइस नेक्स्ट वीडियो में आप कौन सी कार देखना चाहते हैं कमेंट